राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपके लिए मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों के दीपदान का वीडियो लेकर के आई हूँ। अगर आपने सभी नियम और नेग कर लिए हैं, अर्थात सास को सिड्डी चढ़ाने का, उतारने का, बुहार सास को भी कपड़े पहनाने का, ननद नंदोई को कपड़े पहनाने का, सब नेकचार कर लिए हैं, तो इस बार आपको मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों का दीपदान करना चाहिए। इस बार आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ, इसका बहुत पुण्यफल मिलता है। ये जो दीपक हैं, ये कच्चे दीपक होते हैं, इनका दीपदान करने का अक्षय फल मिलता है। आइए अब हम इसको विस्तार से जानते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह, बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपके लिए मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों के दीपदान का वीडियो लेकर के आई हूँ। अगर आपने मकर संक्रांति के दिन सभी नियम सभी नेग कर दिए हैं, तो इस बार आपको मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों के दीपदान का नियम भी लेना चाहिए। आइए इसको हम विस्तार से जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों का दीपदान करने के लिए हमें इस तरह से दीपक 14 दीपक चाहिए। हमें जो दीपक चाहिए, ये कच्चे दीपक चाहिए। ये कच्चे दीपक हैं, ये कच्चे दीपक हैं, हमें इस तरह के कच्चे दीपक चाहिए। पक्के दीपक इस तरह के होते हैं, आवे में पकाने के बाद पक्के दीपक इस तरह हो जाते हैं, तो हमें यह दीपक नहीं चाहिए। हमें इस तरह के कच्चे दीपक चाहिए। जब भी आप दीपदान के लिए दीपक लेकर के आवे, तो ये कच्चे दीपक होने चाहिए। तो इस तरह 14 दीपक चाहिए। चावल चाहिए, रोली चाहिए, थोड़ा सा मोली का टुकड़ा चाहिए, तिल्ली का तेल चाहिए और हमें थोड़े से तिल चाहिए। अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो ये 14 दीपक हैं, इन्हें थाली में रखने से पहले हमें एक स्वास्तिक बनाना है, जो कि मैंने यहाँ ये स्वास्तिक बनाया है। ये मैंने स्वास्तिक बना रखा है। तो अब स्वास्तिक बनाने के बाद आपको इसमें 14 दीपक रखने हैं। ये मैंने 14 दीपक रखे हैं। आप इन दीपकों को या तो आप किसी नदी तालाब पर प्रवाहित करें, या फिर आप हर मंदिर में एक एक दीपक का दीपदान करें। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज में लेना चाहते हैं। दोनों ही तरीके दीपदान के लिए श्रेष्ठ बताए जाते हैं। आप चाहें तो हर मंदिर में एक एक दीपक रख के आवें, जैसे कि दिवाली के दिन हर मंदिरों में एक एक दीपक का दीपदान करते हैं। पहला दीपक गणेश जी के रखें, उसके बाद आप चाहें जहां भी रख सकते हैं। एक दीपक आप देव वृक्ष के पास रखें, अर्थात पीपल के वृक्ष के पास, बिलपत्र, आंवला, बरगद, नीम के पेड़ के पास भी रख सकते हैं, और एक दीपक आप ब्राह्मण के घर के चबूतरे के ऊपर रखें। अगर आपके घर के पास में कोई तालाब नदी है, तो आप इन दीपकों का दीपदान नदी में करेंगे तो वह सबसे श्रेष्ठ होगा। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें इस तरह से रोली लेनी है और सब दीपकों में इस तरह से रोली का छींटा देना है। उसके बाद सबके अंदर थोड़े थोड़े से चावल रखने हैं। ये तिल्ली है, जो तिल्ली डाल देंगे सब में थोड़े थोड़े से। और अब आप चाहें तो इसमें फूल बत्ती बना के रखें, या फिर आप लंबी बत्ती रखें। तो अब मैं इसमें तेल भरूंगी और बत्ती लगाऊंगी। इस तरह से मैंने सबके अंदर तिल्ली का तेल भर दिया है और सब में एक एक बत्ती लगाती है। अब आप चाहें तो बत्ती फूल बत्ती बना सकते हैं, या फिर आप लंबी बत्ती भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें जो मोली है, इसमें छोटे छोटे टुकड़े सबके अंदर मोली के टुकड़े के डाल देंगे। इस तरह से मैंने सबके अंदर छोटे छोटे मोली के टुकड़े डाल दिए हैं। अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के लिए आपको हाथ में जल लेना है, थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोली और थोड़े से तिल लेने हैं। तिल लेके आपको बोलना है
इस तरह से सारे सामान हाथ में लेने हैं। हाथ में लेने के बाद आपको बोलना है, आपका नाम बोलना है और बोलना है आसमासो तमासो, मैं घर की धरानी, बेटा बेटी की माँ, भाई की बहन, दोइता दोइती की नानी, आज मैं 14 दीपकों का दीपदान करने जा रही हूँ। इसमें मैंने तिल्ली का तेल लिया है, सब में बत्ती लगाई है, चावल और तिल छोड़े हैं। हे ईश्वर, मेरा ये दीपदान स्वीकार हो, यह मेरा दीपदान आपकी कृपा से मान्य हो, मेरे घर में बरकत करे, मेरे घर में सुख समृद्धि हो, घर में धन धान्य बढ़े, मेरे घर में सुख समृद्धि हो। इस तरह से आपको संकल्प लेके जो आपके हाथ में जल तिल और रोली है वो आपको 5 बार ऐसे घुमा के आपको ऐसे छोड़ देना है। तो इस तरह से आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको इनको सबको चासने हैं। आप चाहें तो घर से ही चास के जाएं, या आप चाहें तो एक या दो दीपक घर से चास लें, बाकी के सारे दीपक आप जहां दीपदान कर रहे हैं वहीं बैठ कर के चासें। तो मैं अभी सारे दीपक चास लेती हूं और फिर आपको बताती हूं। इस तरह से आपको मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों के दीप दान का नियम लेना चाहिए। तो आज मैंने आपको कच्चे दीपकों का दीप दान करने का महत्व बताया और एक वीडियो बना के बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों के दीपदान के पुण्य फल का लाभ मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। मकर संक्रांति के दिन 14 दीपकों का दीपदान करने का बहुत अक्षय फल मिलता है। धन्यवाद।